जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय से संबंधित बीएड और एमएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। दोस्तों, खबर ये है कि जिन विद्यार्थियों ने किसी कारणवश अपना बीएड और एमएड रेगुलर एग्जाम्स का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा था, उनको विश्वविद्यालय एक अंतिम मौका देने जा रही है। विश्वविद्यालय ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिन बीएड प्रथम या द्वितीय वर्ष, एमएड प्रथम या द्वितीय वर्ष के रेगुलर विद्यार्थी, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, अगर उन्होंने परीक्षा फॉर्म आवेदन नहीं किया है तो उनको विश्वविद्यालय एक अंतिम मौका देने जा रही है। एक बात ध्यान में रखिए, जिन्होंने फॉर्म भर लिया है, जिन्होंने इसकी प्रिंट डाउनलोड कर ली है, उनको दोबारा नहीं भरना है। जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है, किसी कारणवश छूट गया है, उनको फॉर्म भरना है। तो कैसे फॉर्म भरना है, आइए देखते हैं। दोस्तों, विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे, नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ आप जैसे ही आएंगे, आपको एक स्टूडेंट कॉर्नर मिलेगा। स्टूडेंट कॉर्नर, इसके अंदर आप आइए। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यही वो सूचना दी गई है जिस सूचना के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, और बीएड एमएड के बारे में। यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और पीडीएफ में देख लेते हैं कि पहले सूचना क्या है, फिर हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों, ये सूचना अवध विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तरफ से दी गई है, और सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि बीएड एमएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष मेन 2022 एंड एक्स, जिन बच्चों का पुराना छूट गया है, कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म परीक्षा शुल्क पूर्व में भराए जमा कराया जा चुका है। अब देखिए, छात्र हित में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म परीक्षा शुल्क दिनांक 27 अगस्त 2022 से दिनांक 31 अगस्त 2022, केवल 3-4 दिन आपके पास समय बचा है दोस्तों, जल्दी भर लें, भरे किए जाएंगे। छात्र छात्राओं को अपूरित आवेदन पत्र की एक प्रति महाविद्यालय में दिनांक 1-9-2022 तक जमा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि पूरित आवेदन पत्रों की ऑनलाइन सत्यापन वेरिफिकेशन एनसीटीई के मानकानुसार उपस्थिति पूर्ण होने पर, उपस्थिति पूर्ण मतलब अटेंडेंस होने पर, दिनांक 2-9-2022 तक जमा करते हुए परीक्षा आवेदन पत्र एवं छात्र छात्राओं की उपस्थिति विवरण परीक्षा विभाग को दिनांक 3-9-2022 तक जमा करना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ तक सुनिश्चित किया। इस संबंध में यह भी अपेक्षा की जाती है कि पूरित परीक्षा आवेदन पत्रों की समय सूक्ष्मता से निरीक्षण कर ले। नाम एवं पिता के नाम में त्रुटि होने पर संबंधित छात्र या छात्र एवं महाविद्यालय ही जिम्मेदार होंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपको छात्र हित में अंतिम मौका दे रही है विश्वविद्यालय, जिन भी विद्यार्थियों को बीएड एमएड के मेन या फिर एक्स, जिनका पिछले साल भी छूट गया था, वह दोबारा परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं 27 से लेके 31 तक। अब ये परीक्षा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल कॉलेज एग्जामिनेशन फॉर्म, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। कॉलेज फिल एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड 2 ईयर, एमएड 2 ईयर, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट रहेगा, अगर आप बीएड का भर रहे हैं तो एमएड का भर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट, कोर्स का नाम आप बैचलर ऑफ एजुकेशन लिख दीजिए क्योंकि आप बीएड का भर रहे हैं, और कौन से ईयर का भर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का तो सेकेंड ईयर। अगर आप फर्स्ट ईयर का भर रहे हैं पार्ट वन, तो आप यहाँ पे यूआईएन नंबर डाल दीजिए, और अगर आप सेकेंड ईयर का भर रहे हैं तो आप यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिए, और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस विधि के आधार पर आप फॉर्म भरिए। अगर कोई इशू, दिक्कत या कोई भी चीज़ आती है तो कमेंट में पूछिए, आपको वहाँ पे मेरे द्वारा पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों, हो सकता है किसी बच्चे का ऐसे फॉर्म भरना छूट गया हो, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी एक बच्चे का भला हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अवध विश्वविद्यालय बीएड या एमएड से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ गए होंगे, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे जैसी कोई जानकारी निकलती है आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।